से हमारी खास मुलाकात है, इसलिए माता तिवारी कथा जरूर देखिएगा। जिस तरह से सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों, जिस तरह अगर सरकार के अधिकारी अगर आपके द्वार आ जाए तो कैसा लगेगा? निश्चित रूप से जनता को एक लगेगा सपना पूरा हो रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार, हमारे साथ SDM अभय तिवारी सर जुड़े। मैं जानना चाहूंगा, नरगंजों में जिस तरह से तमाम गरीबों को राशन कार्ड देने खुद से आ रहे हैं, सरकार की एक तरह से जो योजना है, महती योजना, उसको जमीन पर लाने का वीडियो दीपेश कुमार और SDM अभय सर कर रहे हैं, साथ ही साथ मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया दोनों यहाँ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ये नरगंजो एक बैकवर्ड इलाका है, कल तक सर यहाँ जंगल में आना मना था, कई लोग आ नहीं पाते थे, इतना खौफ था सर अपराधियों का, एक तरह से खुलेआम कर सकते माओवादियों का। आज सरकार के अधिकारी जंगल में आकर राशन कार्ड बांट रहे, तो कैसा लग रहा है, क्या? ये हम लोगों की एक विशिष्ट पहल है। जमुई जिला अंतर्गत कई क्षेत्र हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से ज़्यादा प्रभावित माने जाते थे, जैसे नरगंजो हो गया, खैरा प्रखंड में जाएंगे तो आपको गोली पंचायत मिलेगी, हरनी पंचायत मिलेगी, आप बोंगी और बरमुरिया चकाई का देख सकते हैं। तो हम लोग विशिष्ट रूप से इन्हीं क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं कि किन्हीं कारणों से ये क्षेत्र विकास की धारा में पीछे छूट गए हैं, तो निसंदेह इनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों को विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। उन विशेष प्रयासों के तहत हम लोग सीधे यहाँ पहुँच कर कैंप करते हैं और कैंप करके लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं। कई सर, अभी सरकार की कई ऐसी योजना है जो जमीन पर यहाँ नहीं उतर पाई हैं, तो क्या सर लगता है सरकार की सारी योजनाओं को जमीन पर पहुँचा उतारा जाए? हाँ, हम लोगों का प्रयास यही है कि सरकार की सारी योजनाएँ अपने उन्नत तरीके से पहुँचे। ये अभी एक शुरुआत है। आज यहाँ के विकास के बारे में मुखिया जी से भी हमने चर्चा की, और लगातार हम प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे जिला पदाधिकारी, अन्य सभी पदाधिकारी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कैसे सारी योजनाएं धरातल पर हों, स्कूल, आंगनवाड़ी, चिकित्सालय सब यहाँ ठीक से चले, हर क्षेत्र, हर गांव, हर टोला प्रॉपर सड़कों से कनेक्टेड हो, नल जल योजनाएँ ढंग से चलें जिससे कि लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिल सके। नल जल योजनाओं के लिए माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से भी कई बैठकें की गई है, लगातार इंजीनियर्स, PTA और BPRO आदि को क्षेत्र में भ्रमण कराया। इस तरह से आज विकास कार्यों का एक तरह से आघात हो रहा है पंचायत में, बस्ती पंचायत में, कहीं ना कहीं ये सुंदर इलाका है, क्या मुझे लग रहा है लोगों का जागरण? देखिए, आज़ादी के वर्ष के बाद कोई भी ऐसा SDO नहीं आया या BDO नहीं आया जो हमारे क्षेत्र में जो है आ करके राशन कार्ड बनवाने का काम करें। मैं जम्मू SDM को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने इस सुदूर क्षेत्र को चयनित करके यहाँ पर 2 महीना पहले आवेदन को लिए, और आवेदन लेने के बाद आज जो है राशन कार्ड वितरण करने का काम किया है। और हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है, मुखिया जी हो या तो फिर मैं सरपंच प्रतिनिधि के नाते लगातार सर से कई बार बात किए थे और इस राशन कार्ड को बनवाने का काम करने की पहल किए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक मांग करना चाहूँगा कि बलियाडी पंचायत अंतर्गत टहवा बलियाडी दो क्षेत्र हैं जिसमें आज भी काफ़ी संख्या में राशन कार्डधारी नहीं है और वहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सर को कहना अवगत कराना चाहूँगा कि सर एक बार वहाँ भी आपका शिविर लगाया जाए जिससे कि गरीब लोगों को राहत पहुँच सकता हूँ। मुखिया प्रतिनिधि मोइन अंसारी जुड़े। मैं जिस तरह से कहीं ना कहीं सवाल हमारे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी पंचायत पिछड़ा है, पंचायत में कई विकास के कार्य जमीन पर नहीं उतर पाए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा मैं जिस तरह से मात्र 300 लोगों का राशन कार्ड बंट रहा है, कहीं ना कहीं आज भी कई लोग छूट जाएंगे, तो क्या कैसे होगा? सबसे तो पहले जिला अनुमंडल पदाधिकारी, झाझा प्रखंड विकास पदाधिकारी और MO साहिबा, आज नरगंज धरती सोने की तरह चमक उठा है, क्योंकि देश आज़ादी के बाद और लगभग हम लोगों को एक आशा किरण जगह अनुमंडल पदाधिकारी जंगली क्षेत्र में आकर के अपने हाथों से स्वयं राशन कार्ड जो देने के काम किया। आज दुर्गा पूजा, ईद, होली मनाने के रूप में यहाँ के जनता खुशी महसूस कर रहा है। कहीं न कहीं अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो जमीन पर नहीं उतर पाए हैं, कई ऐसे जल नल का हाल है या फिर अन्य सड़कों का हाल है या फिर गली कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाए। जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्र समुदाय भवन में चल रहा था, अभी स्थापित किया गया, यह जल नल की जो कमियाँ हैं
इनको चापाकल दिया जाएगा पंचायती राज द्वारा। जिस तरह से हमारी खास मुलाकात है इसलिए अभय तिवारी के साथ जरूर देखिएगा, जिस तरह से सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद अगर कोई पहला एसडीएम है तो अभय सर है, जो यहाँ आज यहाँ आकर तमाम जनता को गरीबों की सेवा के लिए एक तरह से यहाँ 300 राशन कार्ड का वितरण करे, साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र में चापा नल नहीं है इसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास करें। जिस तरह से समाज के अभी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि हम समाज से भटके हुए लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग उनको जोड़ नहीं पाए, ये हम लोगों की कमी, प्रशासन का कहीं ना कहीं एक तरह से बड़प्पन कहा जा सकता है। देखिएगा हमारी खास मुलाकात एसडीएम अभय तिवारी के साथ।